बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बुध मंगलमय पूजनीय संत समाज, वर्तमान में इस समय हमारे इस सत्संग सभा में सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन आदर्श घटनाओं पर कुछ चर्चा जो हो रही है, उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं। विश्वास से विश्वास बढ़ता है। सद्गुरु श्री विशाल देव जी एक बार लखनऊ के पास किसी गांव में विराजमान थे। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी अपने गुरु आश्रम में थे अथवा गोंडा जिला में उसी क्षेत्र में थे, तो आपको विशाल देव के दर्शन करने के लिए जाना था। अपने कुछ संतों के साथ आप लखनऊ आए और सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी को समर्पित करने के लिए आपको कुछ फल खरीदना था। आप एक फल की दुकान पर गए और फल वाले से बात किए। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, फल मिल जाएगा। गुरुदेव जी ने बहुत सारा फल खरीदने के लिए देने के लिए उससे कहा और कहा कि भैया इतना तौल दो। वो तौलने लगा। आपके साथ में एक संत थे, उन्होंने दुकानदार से कहा कि भैया देखो अच्छा अच्छा छांट करके देना। गुरुदेव जी ने उसको झिड़कते हुए कहा कि ऐसा क्यों कहते हो, ये खुद अच्छे अच्छे फल देंगे। गुरुदेव जी ने जब ऐसा कहा और वो दुकानदार सुना, तो आपकी बातों से वो बहुत प्रभावित हुआ और अपनी पूरी दुकान से वो सारे फलों में से छांट करके एक एक अच्छा अच्छा फल दे दिया। और साथ के जो संत थे उन्होंने कहा कि साहब इसने तो बड़ी मेहनत किया और अपना पूरा जो उनका सामान था अवसाब में से एक एक फल छांट करके दे दिया। गुरुदेव जी ने कहा कि देखो वो भी मनुष्य है और उनके मन में भी संवेदना है, हमने उस पर विश्वास किया तो उसने भी अच्छी चीज़ें छांट करके दिया। इसलिए हर इंसान पर सदैव विश्वास करना चाहिए, संदेह की दृष्टि से कभी ना देखें। अक्सर लोगों के मन में यही होता है, अरे ये तो दुकानदार हैं, हमें जरूर ठगे होंगे और अपने लाभ पर ये होंगे। लेकिन सब जगह ऐसी बात नहीं है, लाभ लेना भी चाहिए। लेकिन ये जो संदेह होता है कि इन्होंने हमें जरूर ठगा होगा, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता है, सब जगह सब लोग ठगते नहीं हैं। गुरुदेव जी एक बार छत्तीसगढ़ में थे, आपका कार्यक्रम परसुली नामक ग्राम में चल रहा था। काफ़ी भीड़ थी, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लोग एकत्रित हुए, सत्संग प्रवचन हुआ। प्रवचन समाप्त हो चुका था, अभी आप मंच पर ही बैठे थे, लोग मिलजुल रहे थे, बहुत कुछ लोग चले गए थे। इतने में तीन नवयुवक आपके पास आए और प्रणाम किए, बैठ गए। उन्होंने कहा महाराज हम समाज सुधार करना चाहते हैं, आपसे सलाह लेते हैं कि आप बताइए कि हम कहाँ से शुरू करें। और महाराज आप ये बताइए कि आपने समाज सुधार कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया। गुरुदेव जी ने कहा कि ये बताओ कि पहले अपना सुधार किए हो। तो वे तीनों एक दूसरे को देखने लग गए और फिर तीनों ने स्वीकार किया कि हम बीड़ी पीते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि समाज सुधार के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, यही ना कि लोगों के स्वभाव कर्म विचार आचरण ठीक हों, और तुम खुद समाज के एक अंग हो, तुम समाज में रहते हो और अपने विचार कर्म स्वभाव तथा आचरणों को अगर दूषित बना करके रखोगे तो क्या समाज सुधार करोगे। समाज अपने आप में कुछ नहीं है, एक एक व्यक्ति समाज का एक एक अंग है और आप भी एक व्यक्ति हैं, समाज के आप एक अंग हैं। इसलिए बेटा पहले अपना सुधार करो, अगर आप लोग सुधर जाओगे तो ये समाज सुधार का मानो प्रथम कदम आपने आगे बढ़ा दिया है। इस प्रकार जब आपने उनको कुछ निर्देश दिया, कुछ बातें कही, तो उन लोगों ने महसूस किया और उन्होंने संकल्प किया कि महाराज हम अब
अपनी आदतों को सुधारेंगे और बीड़ी पीना सदैव के लिए छोड़ रहे हैं। आपको कोई चिंता होती है? गुरुदेव जी एक बार अपने संत समाज सहित बस की यात्रा में थे, दूर कहीं जाना था, कार्यक्रम था और बस में आप बैठे थे, भीड़ भाड़ थी बस में। आपके ही बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, प्रौढ़ पुरुष थे, वे बड़ी देर से आपको बड़े गौर से देख रहे थे। जब काफ़ी समय बीत गया, आपकी सौम्यता, गंभीरता, प्रसन्न मुखमंडल को देखते रहे, फिर उनको रहा ना गया और फिर उन्होंने पूछ ही लिया कि महाराज आपको कोई चिंता होती है? गुरुदेव जी ने कहा, नहीं मुझे तो कोई चिंता नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि लेकिन महाराज कुछ तो थोड़ी मोड़ी चिंता तो होती ही होगी। गुरुदेव जी ने कहा, नहीं कोई चिंता नहीं है मुझे। तब उन्होंने कहा, आश्चर्य है महाराज, आज के समय में किसी को चिंता ना हो, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। गुरुदेव जी ने कहा, आश्चर्य कुछ नहीं है, जो व्यक्ति काम करेगा जीवन को सुखमय बनाने के लिए तो फिर चिंता काहे की होगी। हम अपनी जिंदगी को समझते नहीं हैं, जिंदगी में वो काम करते नहीं हैं जो हमारी है नहीं, उसके मोह में रात दिन चिपके होते हैं और जब मोह करेंगे तो चीज़ें छूटेंगी और फिर दुख होगा, चिंता होगी, मन पीड़ित रहेगा। लेकिन जिसने पहले से जान लिया है कि यह शरीर, ये प्राणी पदार्थ, संबंधित लोग, मिली हुई चीज़ें, ये सब विजाती हैं, मेरे स्वरूप से अलग हैं, छूटने वाली हैं, आजकल में ये छूटेंगी ही, बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, मृत्यु आएगी, प्रिय का वियोग होगा, जिसने पहले से जान लिया है तो वो काहे को चिंता करेगा? फिर घटना उसके सामने घटेगी और घटना को घटना जैसे वो देखेगा और अपने आप को उसमें एडजस्ट करके हर हाल में वो प्रसन्न रहेगा, चिंता कहेगी। वो सज्जन भी आपकी बातों से बहुत आनंदित हुए और उनको एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिली। ये घटना सन 1977 की होगी। आप एक बार प्रयाग के कुंभ मेले में थे, पूज्य सदगुरु श्री निष्पक्ष साहेब जी का कैंप लगा हुआ था और उसी में आप पधारे हुए थे। एक दिन भोजन आदि के पश्चात दोपहर का समय था, आप गेट के पास कुछ संतों से खड़े कुछ बातें कर रहे थे। एक महिला उधर से निकली, उन्होंने आपको देखा, अचानक अंदर आ गई और आपसे पूछ लिया कि इस नकल का क्या नाम है। आप अचानक तो थोड़ा सा अचकचा गए, माता क्या पूछ रही है, लेकिन तुरंत आप समझ गए कि ये क्या कहना चाहती है। तो आपने कहा कि अभिलाष। अभिलाष नाम सुनते ही वो माता एकदम प्रफुल्लित हो गई और उछल पड़ी, अरे अभिलाष पर तो मेरा बेटा मर रहा है, मतलब अभिलाष की चर्चा करता है, उनसे मिलना चाहता है, आपके ग्रंथों को पढ़ता है। तो उसने कहा कि अभिलाष पर तो मेरा बेटा मर रहा है। तो आप समझ गए और मुस्कुराते हुए आपने कहा, कहाँ है आपका बेटा? उस माता ने कहा कि इसी मेले में है, कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। तो गुरुदेव जी माता जी की उस बात से बहुत प्रभावित हुए। उसने कहा कि इस नकल का क्या नाम है। साधारण अनपढ़ देहाती लोग भी कभी कभी ज्ञान के बहुत मार्मिक सूत्र बोल देते हैं, ये नकल ही तो है, ये शरीर नकल है, इसके अंदर में असल चीज़ एक छिपी हुई है और उसका मूल्य ना होने के कारण, उसको हम ना समझने के कारण इस शरीर को ही असल माने रहते हैं। और जब शरीर को असल मान लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख, संताप, पीड़ा फिर शुरू हो जाती है। इसलिए शरीर असल नहीं है, नकल है। माता जी ने बहुत मार्मिक शब्द कहा था कि इस नकल का क्या नाम है। बाद में फिर ना वो माता जी मिली, ना उनका बेटा मिल पाया, लेकिन उस माता जी की यह बात गुरुदेव जी के हृदय में घर कर गई और आप समय समय से इसकी चर्चा करते थे कि एक अनपढ़ देहाती माता ने हमें ज्ञान के सूत्र दिया। तो जो खोजी पुरुष होते हैं और जिनको ज्ञान की तलाश होती है, वो सब जगह से ज्ञान खोज लेते हैं और उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं।
गुरुदेव जी का कार्यक्रम गोरखपुर में उन दिनों चल रहा था। ये सन 1977 की बात है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का केंद्र है, वहाँ पर रेलवे विभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत ऑफिसें हैं, हजारों लोग काम करते हैं। इस कार्यक्रम के पूर्व भी गुरुदेव जी का सन 1971 में 11 दिवसीय कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था। अब की बार भी रेलवे ने ही आपको बुलाया था, एक दिन का कार्यक्रम था, बैडमिंटन हॉल में आपका सत्संग हुआ और सत्संग में बहुत लोग एकत्रित हुए और भव्य कार्यक्रम हुआ, लोग सुने और समाप्त होने के पश्चात लोग मिलजुल रहे थे, बहुत लोग चले गए थे। अंतिम में एक शिष्टमंडल आया जो बड़े तार्किक और बुद्धिवादी विचार के थे, वे आए, प्रणाम किए और बैठ गए। उन्होंने कहा, महाराज आप जो कहते हैं वही सच है, आपकी बातें समाज में अगर लागू हो जाए, लोग इसे स्वीकार कर लें तो यहाँ पर कोई दुख रह ही ना जाए। लेकिन महाराज जो आप कहते हैं वही बात अगर हम लोग कहने लग जाएं तो पीटे जाएंगे, आपकी जो कहने का तरीका है बड़ी मधुरता बड़ी मिठास से आप बोलते हैं, जैसे तुलसीदास, आप तुलसीदास नहीं कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, और ऐसे मीठे शब्दों में उनको कह करके फिर उनकी बातों को उद्धृत कर देते हैं और तमाम उनकी जो समतामूलक नहीं भी है उन बातों को भी आप बड़े आदर से ऑपरेशन करते हैं और लोग बड़े प्रेम से स्वीकारते हैं। माँ सीता खेत में पाई गई और आप बड़े आदर से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, महाराज आपके विचार समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि महाराज कल हम अमुक चौराहे पर मनुस्मृति को फूंकना चाहते हैं सामूहिक रूप से, आपकी क्या सलाह है? क्योंकि मनुस्मृति में ऊंच नीच छुआछूत जातिवाद वर्णवाद आदि जैसी गर्हित बातें और उसकी खाइयां तैयार की गई है और हम चाहते हैं कि उसका सामूहिक रूप से बहिष्कार हो और उसको हम फूंक दें, लोगों को पता चले। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप फूंकना चाहते हैं तो फूंक दीजिए, अधिक से अधिक तादाद में मंगा करके फूंक दीजिए, लेकिन इससे आपका नाम तो पेपर अखबार में छप जाएगा किंतु फायदा किसी का नहीं होगा, छापने वाले प्रेषक लोग और छापेंगे और उनका और लाभ हो जाएगा और आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये फूंकना समझदारी की बात नहीं है। देखिए एक पक्ष यह है कि ये ऊंच नीच छुआछूत जैसी गर्हित बातों को लिखना और एक वर्ग ने बिना विचार किए 70% हिंदू समाज को नीच घोषित कर दिया और उसका तिरस्कार भाव से देखता रहा और उसके लिए बहुत सारे कानून तथा ऊंच नीच की भेद भरी बातें लिखता रहा, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि अब दूसरे लोग उनसे चिढ़ करके उत्तेजित हो करके उनको कटु कहें, आलोचना करें, उनसे लड़ें झगड़ें, ये दूसरा पक्ष है। और ऐसा करने से किसी का लाभ नहीं होगा है, आपस में तनाव बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, शांति भंग होगी। किसी को चिढ़ा करके उसको सुधारा नहीं जा सकता है। अगर आपको ये काम करना है तो जीवन में त्याग लाइए, क्षमता और प्रेम से व्यवहार कीजिए, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए लेकिन जो गलत बातें हैं उसको त्याग दीजिए और कड़ाई से अपने जीवन में उसके लिए अपनी आवाज़ उठाइए और अपनी बातें कहिए सहिष्णुता के साथ, प्रेम और हमदर्दी के साथ। अगर किसी के दिल को जीता जा सकता है जिस तरीके से, वो लड़ झगड़ कर क्रूरता कठोरता से किसी को नहीं बदला जा सकता है, सहिष्णुता प्रेम और हमदर्दी से ही किसी के दिल को जीता जा सकता है। आप उत्तेजित होकर के बदले की भावना रख करके किसी को आप बदल नहीं सकते और ना उनसे लाभ ले सकते हैं और ना अपने जीवन में शांति स्थापित कर सकते हैं, इसलिए ये उचित तरीका नहीं है कि आप फूंकें उनको लगा,
कि महाराज जी जो कह रहे हैं सच है। हम किसी ढंग से किसी को चिढ़ा करके उत्तेजित करके अगर ये काम करेंगे तो हम स्वयं अशांति में पड़ जाएंगे और दूसरे लोग तो हंसेंगे, थोड़े दिन के लिए हो हल्ला हो जाएगा और समाज जहाँ का तहाँ रहेगा। इसलिए मंथर गति से वैचारिक क्रांति होनी चाहिए और प्रेम तथा सहिष्णुता के साथ जो गलत करने वाले हैं उनको भी आदर देते हुए उनकी गलतियों को आप कठोरता से दृढ़तापूर्वक कहिए बताइए। लेकिन अगर आप उनको चिढ़ाएंगे और उनको गाली दे करके उत्तेजित करके काम करेंगे तो आपका काम भी बीच में रुक जाएगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे, लोग भी हंसेंगे। उन्हें समझ में आया। इस प्रकार से गुरुदेव जी सदैव समता प्रेम और दृढ़ता से जो काम करते थे सब समय ऐसा ही जीवन जिए और ऐसा ही काम किए। सदगुरु कबीर के विचारों के आप कट्टर पक्षधर हैं और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करते हैं, समाज में उसी की शिक्षा देते हैं और ऊंच नीच छुआछूत जातिवाद वर्णवाद की जो गंदी और घृणित बातें हैं इनका खुल करके आप विरोध करते हैं, लेकिन प्रेम के साथ, आदर के साथ, मधुरता के साथ। इसीलिए बड़ी बड़ी सभाओं में भी आप सारी बातें कह देते हैं और थोड़ा भी लाग लपेट नहीं रखते हैं, खुल करके कह देते हैं, किंतु कोई भी आपके सामने चू नहीं कर सकता है कि महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आप कहते हैं प्रमाण सहित दृढ़तापूर्वक और अनेक स्रोतों से मजबूत करके कहते हैं, वेद शास्त्रों का उदाहरण देते हुए। इस प्रकार से सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का जो विचार है वह अत्यंत सारोग्राही होता है। कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संतों की संगत करने से हमारे जीवन के बहुत से पाप कट जाते हैं, आई हुई बुराइयां हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं, जीवन हमारा बदलने लगता है, निर्दोष होता है। तो संतों की संगत कितनी कल्याणकारी है ये सर्वविदित है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी अयोध्या जियनपुर आश्रम में थे, ये सन 1977 की बात होगी। आपका सत्संग चल रहा था, गोंडा की तरफ से एक नवयुवक फैजाबाद की ओर जा रहा था जो आपसे परिचित था, आपके बारे में सुन रखा था और आश्रम में समय से कभी आता जाता था। तो उसे याद आया, जैसे ही अयोध्या की तरफ आया तो उसे जियनपुर कबीर आश्रम की याद आई, गुरुदेव जी की याद आई और वो फैजाबाद ना जा करके जियनपुर आश्रम में आ गया और आया, गुरुदेव जी से मिला, बंदगी प्रणाम करके बैठ गया। सत्संग चल रहा था, सभा लगी थी, गुरुदेव जी बोल रहे थे और वो शांत एक जगह में बैठ करके सुनने लगा। गुरुदेव जी की बातें जो ज्ञान विचार प्रेम शांति सहनशीलता धैर्य गम क्षमा संतोष आदि की जीवन सुधार की, जिससे हमारे दोष दुर्गुण मिटे, मन में शांति मिले और सद्गुण बढ़ें, प्रेम सुमति संगठन आपस में मजबूत हो, वही बातें तो बताएंगे आखिर, और फिर साधना शांति की कल्याण की बातें बताएंगे। तो इस प्रकार से कुछ देर तक वो सुनता रहा, सत्संग समाप्त हुआ और वो व्यक्ति प्रणाम करके चला गया और घर गया। अपने बड़े भाई को मुंबई फोन किया और कहा कि भैया जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम को अब रोक दिया जाए, कुछ नहीं ऐसा करना है, मैंने कल पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी का प्रवचन सुना है, उन्होंने जो कहा है वही हमें सत्य लगा है और अंततः वही शांतिदायक तथा कल्याणदायी है, हम जो करने जा रहे हैं अगर इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो हम उलझ जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, जीवन नरक हो जाएगा। बड़े भाई ने कहा ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो, जो कदम उठा लिया गया है वही करना है। लेकिन इन्होंने रोका कि भैया उचित नहीं होगा, अंततः उनके बड़े भाई भी रुके। वो काम यह था कि इनके गांव में जो पट्टीदार लोग थे इनकी जमीन पर कुछ वो अधिकार जमा रहे थे और बलात् अधिकार करने के कारण बहुत तनातनी हो गई थी और बड़े भाई तथा ये लोग सब निश्चय कर लिए थे कि
कुछ बदमाशों को बुलवा करके इनको परिवार सहित सबको खत्म कर दिया जाए। और ये पूरा सब प्लानिंग हो चुकी थी, बदमाशों को पैसा भी दे दिया गया था, बस यही था कि अमुक डेट को सब लोग घर पर वे रहेंगे और उसके पहले ही वहाँ पहुँचें और रात में सबको ख़त्म कर दिया जाए। ये सारी प्लानिंग हो चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने फ़ोन किया, बड़े भाई से कहा, तो भाई पहले तो स्वीकार नहीं रहे थे, अंततः वे भी माने। और फिर बदमाशों को भी फ़ोन करके बता दिया गया कि भैया ये सब काम हम नहीं करेंगे और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। सब काम रुक गया, मामला जहाँ का तहाँ रहा। इन लोगों ने जैसे भी रहा अपने काम को सुलझाया और जीवन आगे बढ़ाते रहे। एक महीने के बाद फिर वो नवयुवक गुरुदेव जी से आकर के मिला और आया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श करके ज़मीन पर बैठ गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने हमारे जीवन को नरक की ओर जाने से बचा लिया। गुरुदेव जी ने कहा, क्या बात हुई? उन्होंने कहा, महाराज आप ना मिले होते तो आज हम लोग पूरा परिवार कहीं जेल में सड़ते होते और एक दूसरा परिवार, उनके सभी लोग वो काट डाले गए होते। गुरुदेव जी ने कहा, क्या बात कर रहे हो? तब उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि महाराज हमारी ऐसी प्लानिंग हो चुकी थी कि उन लोगों को जो हमारे पट्टीदार हैं, हमारे मोहल्ले में हमारे ही सब परिवार के लोग हैं, और वे मान नहीं रहे थे, ज़मीन को लेकर के काफ़ी कुछ विवाद बढ़ गया, लेकिन वे अनाधिकृत हमारी ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठे थे और छोड़ नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने निश्चय कर लिया था कि इनको अब ख़त्म कर देना ही उचित है, लेकिन आपका हम विचार सुने और हमें समझ में आया, लगा कि अंततः यह गम, क्षमा, संतोष, धैर्य से ही जीवन सुखी हो सकता है। और आपकी बातों को हमने स्वीकारा, बड़े भाई को फ़ोन किया और वे भी माने और ये काम रुक गया, नहीं तो आज हम जेल में होते और आपको पता चलता कि अमुक परिवार नष्ट हो गया और हम सब लोग जेल में हैं। गुरुदेव जी सुने तो बहुत बहुत उसको धन्यवाद दिए और कहा कि बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया और ये तो सदैव दुखदाई ही होता है। जहाँ भी ऐसी बात आती है तो चीज़ों का घाटा सह लेना, बातें सह लेना और पीछे हो जाना, थोड़ा गम खा लेना, संतोष कर लेना, यही सुखी होने का रास्ता है। अगर हम चीज़ों को लेकर के, किसी बात को लेकर के लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मार काट करेंगे तो जीवन हमारा तो दुखमय होगा ही और वर्तमान तथा भविष्य पूरा नरकमय हो जाएगा और दूसरे लोग भी इससे उत्तेजित होंगे, समाज में प्रदूषण फैलता है और हमारी पूरी परंपरा दूषित हो जाती है। इसलिए तुम लोगों ने बेटा जो काम किया ये बहुत ही सराहनीय है, सदैव ऐसे ही मजबूत मन वाले बनो और धीरे से सारा रास्ता तुम्हारा साफ हो जाएगा, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का अगर थोड़ा घाटा हो रहा है तो वह भी सहो, लेकिन ऐसी हिंसा, हत्या तथा इन दुष्कर्मों से सदैव अपने को बचा के रखना। उन्होंने स्वीकार किया और कहा, महाराज आपके इन्हीं विचारों ने तो हमारे जीवन को आज सुरक्षित रखा है और नहीं तो आज हम लोगों की दशा कुछ और होती और हम सब लोग कहीं पड़े जेल में रोते होते। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय जीवन दर्पण का यहाँ पर समाप्त होता है। ये सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के साधना के वर्ष थे और कैसे कैसे आपने अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपनी साधना को मजबूत किया, अपने आप को गढ़ा और कैसे त्याग तपस्या में आगे बढ़े, ये दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे तीसरा अध्याय आता है, संतों भक्तों का सानिध्य। आप के सानिध्य में कितने लोग आए और वे आकर के अपने जीवन को बदले, आप कितनों के साथ में जाकर के अपने जीवन से प्रेरणाएं लिए और कैसे एक आदर्शमयी घटनाएं आपके जीवन में घटी, इन बातों पर इस अध्याय में प्रकाश डाला जाएगा। और सबसे पहले इस अध्याय के जो संदर्भ में बात आती है
वह है सदगुरु श्री विशाल देव का सानिध्य। सदगुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन में सदगुरु विशाल देव एक स्वर्ण स्तंभ की तरह आदर्शवान महापुरुष दिखाई देते हैं। श्री अभिलाष साहेब जी समर्पित भाव से तो अपने गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी को ही समर्पित रहे और उनकी ही चरण शरण में लगे, उनसे ही दीक्षा और साधुवेश भी हुआ और उनकी ही सेवा उपासना में आपका पूरा जीवन बीता है। लेकिन आपके जीवन में सदगुरु विशाल देव की जो अमिट छाप हुई उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आपके विचारों में सदगुरु विशाल देव शरीर में प्राण की तरह समाये हुए हैं। एक बार गुरुदेव जी कबीर नगर इलाहाबाद में थे, ये सन 2005 या 6 का समय रहा होगा। गुरुदेव जी दोपहर स्नान आदि के पश्चात अपने कक्ष में आए, मैं भी उनके पास गया और बंदगी करके खड़ा हुआ और थोड़ी सी कुछ बातें होती रही। फिर मैंने गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जी आपके शब्दों से आपके विचारों से हमें ये पता चला है कि आप अपने पूर्व आश्रम में ही सदगुरु विशाल देव के विचारों से परिचित हो गए थे, उनके ग्रंथ को आप पढ़ते थे, उनकी विशालता के बारे में आप समझ चुके थे और आज तक आप उनके गरिमामयी व्यक्तित्व से प्रभावित हैं और आज भी उनकी चर्चाओं को करते हैं और गदगद होकर के करते हैं, तो आप सदगुरु विशाल देव की शरण में ना जा करके सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी की शरण में कैसे गए? क्योंकि जितनी आपके जीवन में सदगुरु विशाल देव की चर्चाएं आती हैं उतना बल्कि गुरुदेव जी सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी की चर्चाएं नहीं आती हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा, देखिए मेरे गुरुदेव हैं, उनका जो स्थान है मेरे अंतःकरण में किसी और का हो ही नहीं सकता है। लेकिन रही बात सदगुरु विशाल देव की चर्चाएं, विशाल देव भी अपने आप में विशाल थे, उनका विशाल व्यक्तित्व था और उनकी साधना ज्ञान बोध विचार अत्यंत ऊंचा था। लेकिन मैं जो सदगुरु राम सूरत साहेब जी की शरण में आया, आखिर जगाने वाले चिताने वाले मुझे मार्गदर्शन करके घर से निकालने वाले सदगुरु कबीर का विचार देने वाले और उन तमाम मान्यताओं से उस परंपरा से निकाल करके सदगुरु कबीर साहब का विशाल विचार प्रांगण जो मुझे मिला है वो मेरे गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी से मिला है, तो फिर मैं उनकी शरण में न जा करके किसी बड़ी महिमा और ख्याति वाले महापुरुष के पास क्यों जाऊँ? इसलिए विशाल देव विशाल हैं, उनकी विशालता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव जो हैं उनका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। इस प्रकार से आपके हृदय में अपने गुरुजनों के प्रति कैसे श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा किसके लिए भाव होना चाहिए, वो सब के लिए वही स्थान देता है। विशाल देव की जो विशालता आपके अंतःकरण में छिपी हुई थी उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता था, लेकिन अपने गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा भक्ति उपासना और उनके प्रति समर्पण भाव था वह स्थान भी कोई दूसरा नहीं ले सकता था। इस प्रकार से सदगुरु अभिलाष साहेब जी का अंतःकरण ही कुछ ऐसा था। अरे एक साधारण व्यक्ति, एक साधक, एक जिज्ञासु, एक भक्त, एक विद्यार्थी जब आपके पास जाता था और वह आपसे मिलता था, बात करता था, तो उसके प्रति आपका जो भाव, आपके जो विचार, आपकी जो कृपा दृष्टि और आपकी जो मर्मभेदी विचार होते थे उसको भी महसूस होता था कि गुरुदेव केवल मेरे हैं और जितना मुझे चाहते हैं किसी अन्य को नहीं, तो उसके भी आप हो जाते थे। यद्यपि आप किसी के नहीं, केवल अपने आप के होते थे, लेकिन आपके विचार, आपके स्वभाव और आपके व्यवहार की कुछ ऐसी कला थी कि जो अद्वितीय थी। आज तक हम ऐसे किसी को भी नहीं देखे कि जो सदगुरु अभिलाष साहेब जी जैसा रहनी विचार स्वभाव कर्म आचरण में जिया हो। तो सदगुरु श्री विशाल साहेब जी की उच्चतम रहनी
उनके उत्कट वैराग्य, उनकी निष्प्रियता, निश्चिंतता, अनाशक्ति, निर्विवादिता, अंतर्मुखता, व्यवहार की सजगता, एकांत प्रियता, आत्मपरायणता आदि से आपके जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये प्रसंग है कि महापुरुषों का सानिध्य आपके जीवन में कैसे कैसे रहा। तो सद्गुरु विशाल साहेब जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो सद्गुरु विशाल साहेब जी से आप कैसे प्रभावित रहे और उनके साथ आपके जीवन में कैसे अनेक घटनाएं घटी, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करते हैं। सन 1950 से आप विशाल देव से परिचित हो गए थे, उनके विचारों से परिचित हो गए थे, उनके भवयान ग्रंथ पढ़े। अब जब आप पूर्व आश्रम में थे, अपने जन्मस्थान खानतारा गांव में रहते थे माता पिता के पास, तभी से आप उनके विचारों से जुड़े हुए थे। तो उनकी महानता, उनके व्यक्तित्व, उनके वैराग्य से तो आप परिचित थे ही। तो सद्गुरु विशाल साहेब से आप पहले से जुड़े हुए थे और सन 1953 में, ये करीब 15 नवंबर में आपने गृह त्याग किया, शायद 12 या 15 नवंबर का समय रहा, तो आपने गृह त्याग किया। और गृह त्याग के दो दिन बाद, तीसरे दिन ही सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने आपको साधुवेश दे दिया और कुछ ऐसा बानक बना, कुछ ऐसी वहाँ की भूमिका हुई कि आपको आश्रम से तुरंत बाहर जाना पड़ा। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने कहा कि ठीक है, बुरहानपुर कबीरा आश्रम चले जाओ। और आप बुरहानपुर की यात्रा में चल पड़े अपने बड़े गुरु भाई श्री आज्ञा साहेब जी के साथ। लेकिन बुरहानपुर जाने के पूर्व आपने सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी के दर्शन किया और विशाल देव उन दिनों तरावा गांव में विराजमान थे। ये प्रथम आपका विशाल देव जी का दर्शन था और एक या दो रात वहाँ रह करके, विशाल देव जी का दर्श परश करके, आप फिर बुरहानपुर की यात्रा में निकल पड़े। और इसके पश्चात दो महीने बाद सन 1954 में आप अपने गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के साथ सदगुरु विशाल साहेब जी के दर्शन करने के लिए गए। और जब गए तो वहाँ पर गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी विशाल देव से कुछ समसामयिक चर्चाएं किए, आपस में कुछ बातें होती रही। और अभिलाष साहेब जी तब तक कोई चर्चा उनसे ना कर सके, केवल बंदगी कर लिए, दर्शन करके लौट आए। तो ये दूसरी बार भी आपसे उनकी कोई चर्चा ना हो सकी। और दूसरी बार जब आप वहाँ पर गए, उनके दर्शन किए, तो उसके थोड़े दिन बाद ही मार्च महीने में सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी अपने समाज सहित लगभग 1.25 महीने के लिए बड़हरा कबीर आश्रम पधारे। और बड़हरा कबीर आश्रम में 1.25 महीने रहने के बाद भी वहाँ श्री प्रेम साहेब जी तथा अन्य संतों का सत्संग तथा सद्गुरु विशाल साहेब जी का दर्शन के अलावा आप उनसे कोई चर्चा ना हो सकी, उनसे बात ना कर सके। आपका संकोची स्वभाव था और फिर इधर सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी का निर्देश था कि विशाल देव एकांत प्रिय हैं और उनको अधिक से अधिक एकांत की जरूरत रहती है और वे वही पसंद करते हैं, इसलिए कोई उनके पास मिलने जुलने के लिए ना जाए, शाम को केवल 4 मिनट के लिए बंदगी करने के लिए उनके पास जा सकते हैं बस, तो आप भी उनके पास ना जा सके। तीसरी बार सन 1955 में बाराबंकी जिला के लोहजर गांव में विशाल देव के आप दर्शन करने के लिए पुनः गए। इस बार भी उनके निकट कई बार आप गए, बैठे, थोड़ी सी कुछ बात हुई, लेकिन विशेष रूप से अभी आप खुल ना सके उनके सामने। इसके पश्चात आपकी वैराग्य संजीवनी पुस्तक इधर छप चुकी थी और वो पुस्तक विशाल देव जी के पास पहुंच गई। विशाल देव उसको पढ़वा करके पूरा सुन चुके थे और फिर उस वैराग्य संजीवनी से विशाल देव परिचित हुए और समझे कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, जिस साधक ने भी बनाई होगी वो बहुत ही मनोयोग पूर्वक और साधना परायणता से लिखा है। इस प्रकार अभी भी विशाल देव जी के मन में आपके लिए कोई
ख्याल ना रह गया कि कौन साधक हो सकता है अभिलाष दास। चौथी बार सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी विशाल देव जी के दर्शन करने के लिए लखनऊ जिला के गुंदौली ग्राम में गए। और विशाल देव जी आपकी पुस्तक से तो परिचित हो ही चुके थे। गुरुदेव सदगुरु श्री विशाल साहेब जी गुंदौली में विराजमान थे। रात के समय में अभिलाष साहेब जी उनके दर्शन करने के लिए गए और लालटेन का प्रकाश था, एकांत उनकी कुटिया बनी हुई थी, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था और गांव में संतों का निवास था। विशाल देव जी के पास बस केवल एक दो लोग, अधिकतम तीन लोग सेवा करने वाले रहते थे और वे भी पूरा वातावरण शांत रखते थे। उनके रहने की उनकी कुटिया में ही अलग जगह होती थी। विशाल देव जी का खुला प्रांगण, उनकी झोपड़ी और सामने साफ सुथरा सब कुछ वातावरण होता था। रात्रि में अभिलाष साहेब जी उनके दर्शन करने के लिए गए। लालटेन का प्रकाश जल रहा था और वहाँ गए, कुछ बातें हुई। विशाल देव जी अब की बार आप पर गहरी दृष्टि डाले और बस यही है आपसे वार्तालाप के शुरुआत के क्षण, और इसके पश्चात तो फिर आप इतना अभिन्न हो गए कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते पंखा करते आप बात करते रहते थे। जब कभी जाते आप उनसे बंदगी प्रणाम करते और बस अंग संग हो जाते और खुल करके आप उनके साथ हंस हंस के बातें कर लेते। उनके साथ बैठते उठते ज्ञान की चर्चाएं होती। सदगुरु विशाल देव निर्णय के बड़े प्रेमी थे। वे सच्चे जिज्ञासुओं से बड़ा प्रेम करते थे। सच्चे जिज्ञासु अगर उनको मिल जाए तो वे उनसे खुल करके निर्णय चर्चा करते थे। श्री विशाल देव के शरीर में गर्मी रहा करती थी ज़्यादा, इसलिए वे ज़्यादा देर तक बोलते नहीं थे और इसीलिए आपसे वे ज़्यादा नहीं बोलते थे। बीच बीच में वे कह देते थे कि देखो अभिलाष दास तुम बोला करो और जो हम पूछें निर्णय की चर्चा किया करो, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ और मैं जो कुछ पूछूं जो कुछ बात मैं करूं उस पर विस्तार से खूब बोलो साधना की बातें, और जब मुझे कुछ लगेगा तो मैं उस पर कुछ निर्देश कर दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने साहेब जी को निर्भय कर दिया। अभिलाष साहेब जी वर्ष में करीब दो बार विशाल देव जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। सदगुरु विशाल देव और अभिलाष साहेब जी के बीच ज्ञान की चर्चा कुछ इस प्रकार हुआ करती थी। आप जब कुछ प्रश्न करते गुरुवर श्री विशाल साहेब जी आपको ही इसका उत्तर देने के लिए कहते, और वे कहते देखो मेरे शरीर में गर्मी होने के कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए तुम खुल करके बोलो और जब जहाँ जैसे लगेगा मैं बताऊँगा, संकोच ना करो। इस प्रकार जब आप विशाल देव जी का मंतव्य जाने तो आप भी निर्भय हो गए और खुल करके उनके समक्ष विचार अपने रखने लगे, और उसमें समय समय से श्री विशाल देव कुछ सुधार कर दिया करते थे। कभी कभी श्री विशाल देव स्वयं आपसे प्रश्न कर लिया करते थे जिसका निर्णय विचार आप विस्तार से कहते। श्री विशाल साहेब जी के समक्ष किए गए आपके जो विचार थे वो निर्णय चर्चाएं थी, आपके ही ग्रंथ थे कल्याण पथ में, वो सारे विशाल देव जी के समक्ष की गई बातों का ही वो लेख है। एक दो लेख शायद गुरुदेव जी ने अलग से लिखा है, नहीं तो उनके समक्ष जो चर्चाएं हुआ करती थी उसी को आकर के आप लिख लेते थे, वही लेख रूप में कल्याण पथ में सब कुछ आ गया है। गुरुदेव जी स्वयं कहते थे, एक बार हमसे चर्चा करते हुए बता रहे थे कि विशाल देव जी के पास मैं जाता और जो कुछ चर्चा हुआ करती थी तो जब वहाँ से चल करके आ करके बिस्तर पर कमरे में या एकांत स्थल में कहीं भी तुरंत लिख लेता था तो ज्यों का त्यों पूरा लिख देता था, और जब दो चार दिन बीत जाता था तो कुछ थोड़ा सा शब्द इधर उधर होने लगता था, लेकिन वो साधना के अनुकूल सब हुआ करता था। ऐसा थोड़े है कि कुछ वैसे लिख देते, किंतु जो वहाँ बोले थे उन भावों के उन शब्दों के थोड़ा सा कुछ इधर उधर होने लगता था। और कुछ ऐसे भी लेख होते थे जो 8-10 दिन के बाद भी लिखे, लेकिन कल्याण पथ में लगभग 95% से ज़्यादा लेख है
विशाल देव जी के समक्ष बोले गए की गई चर्चाओं के ही हैं। आपके कार्यक्रमों की आपकी व्यस्तता को देख करके विशाल देव जी कई बार कहते थे कि तुम सब जगह जा करके बहुत प्रचार कर डालोगे। इसका मतलब ये नहीं था कि विशाल देव आपके कार्यक्रमों को पसंद नहीं करते थे, बल्कि वे कहते थे कि अभिलाष दास क्षमता वाले हैं और व्यवहार कुशल हैं और ऐसी कुछ उनकी योग्यता है, लोग चाहते हैं, जाते हैं, अच्छा है, लेकिन आपकी सजगता के लिए, आपकी साधना अंतर्मुखता और कल्याण पथ पर मजबूती से चलते रहने के लिए भी समय समय से वे कहते रहते थे और आपको मजबूत बनाने के लिए वे विचार देते ही रहते थे। श्री विशाल साहब जी जैसे निवृत्त परायण संत थे, वे चाहते थे कि अभिलाष दास जी भी वैसे निवृत्त रहें, लेकिन आपकी सजगता, सावधानी, अंतर्मुखता और फिर प्रवचन और व्यवहार की कुशलता को देख करके आपसे वे काफ़ी आश्वस्त रहते थे कि नहीं, अभिलाष दास जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इस प्रकार से सदगुरु विशाल देव और सदगुरु अभिलाष साहेब जी के आपस के संबंधों में बड़ी निकटता थी और विशाल देव आप पर पूरा विश्वास करते थे। कभी कभी आपके वैराग्य भाव, स्वरूप भाव की पुष्टि के लिए विशाल देव आपसे ही कुछ पूछ लिया करते थे। वे पूछते, उनका यही शब्द होता था, तो तुम्हें कुछ हानि तो नहीं लागत है? ये बाराबंकी लखनऊ की तरफ की भाषा है, तो इसका मतलब यही होता है कि तुम्हें कोई हानि तो नहीं लगती है? अभिलाष साहेब जी कहते कि गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका सानिध्य मिला, आपका बोध मिला, सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत मिला और ये बात समझ में आई। अब मेरे अंतःकरण से सारी हानि आपकी कृपा से समाप्त हो गई है। ये थोड़ा सा जो वाक्य था विशाल देव का कि तुम्हें कोई हानि तो नहीं लगती है, बहुत अर्थ समेटे हुए होता था और थोड़े में पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी आपसे जो उत्तर देते थे वो भी बड़ा सारगर्भित होता था। मनुष्य को हानि सदैव सताती रहती है, धन हानि, मान हानि, पद हानि, अधिकार हानि, शरीर हानि, रूप हानि, पुत्र हानि, स्वार्थ हानि आदि आदि हानियां मनुष्य को महसूस होती रहती है और उस हानि से वो पीड़ित होता रहता है। लेकिन जिसके जीवन में ये समझ में आ गया है कि ये छूटने वाला संसार है, छूटने वाला शरीर है, बदलने वाले सारे लोग हैं और ये मिली हुई समस्त अनुकूल अनुकूल भूमिकाएं अथवा प्रतिकूल भूमिकाएं हों, ये सब छूटने वाली हैं, वो कहाँ मोह करेगा, कहाँ राग और द्वेष करेगा। जिसने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है उसके अंतःकरण से सारी हानि समाप्त हो जाती है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन में ऐसी कमाई थी, उनकी ऐसी साधना थी कि उनके जीवन से भी सारी हानि निकल गई और वे अपने आप को उन दिनों ही हानि रहित कर लिया था। विशाल देव का दर्शन आपने किया, उनके विचारों को पाया, सदगुरु कबीर साहेब के सिद्धांत को सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के माध्यम से जाना और आपने पूरी तरह से ईमानदारी से समर्पित होकर के अपने जीवन में उसको आचरण करने के लिए कमर कसा और उसमें लग गए और अत्यंत प्रतिभावान आप थे ही, दृढ़ निश्चयी थे ही, जिस चीज़ को समझ लेते थे कि यह सत्य है, यही उपयोगी है, यही कल्याणदायी है, यही स्व और पर के लिए हितकारी है, फिर उसको स्वीकारने के लिए आप जी जान से लग जाते थे और आपका यही समर्पण भाव, आपकी यही दृढ़ निश्चयता ने ही आपकी साधना में, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा दिया। इस प्रकार से विशाल देव के संपर्क में आपका लंबे समय तक जीवन बीता। अनेक ढंग से आप कई बार विशाल देव जी से हंसी विनोद भी कर लिया करते थे। एक बार गर्मी के दिन थे, आप मूजापुर में विशाल देव जी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। विशाल देव एक झोपड़ी में बाहर आम पेड़ के नीचे झोपड़ी थी, वहीं पर विराजमान थे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी और साथ में एक दो संत और वहाँ के जो वरिष्ठ संत थे वे लोग भी थे। शायद
पूज्य सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी भी थे, तो ज्येष्ठ का महीना था और दोपहर के बाद का समय था और बड़ी जोरों से आंधी आ गई। इतना जोरों से आंधी आई कि चारों तरफ धूल धूल चीज़ें उड़ने लगी, यहाँ तक कि छप्पर भी ऐसा लग रहा था उड़ जाएगा। बहुत चीज़ें सब खटपट और घर के खपड़े भी लोगों के उड़ रहे थे, तो धूल चारों तरफ अंधेरा जैसे छा गया। विशाल देव जी की खाट बाहर थी, जल्दी से सब लोग उठा करके झोपड़ी के अंदर लाए, चीज़ें संभाले और सब बैठे। आंधी शांत हुई लेकिन अभी काफ़ी कुछ गर्दा गुब्बार उड़ ही रहा था। फिर सब लोग जा कर के विशाल देव जी के पास नीचे ज़मीन पर बिछी हुई चटाई पर सब लोग बैठ गए। तब सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी विनोद करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, इतनी तेज आंधी थी कि चारों तरफ एकदम ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ जाएगा। मालूम पड़ता है जब प्रलय आएगा तो कुछ ऐसे ही होगा। तो विशाल देव मुस्कुराए और फिर बोले कि हाँ, जब चारों तत्व तो अपनी शक्ति को छोड़ देंगे और उनकी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगा। थोड़ा सा वाक्य नपे तुले कुछ शब्द विशाल देव बोले थे, लेकिन उनका जो ये इतना शब्द था बहुत गहन गंभीर तथा अर्थ समेटे हुए था। ऐसा नहीं है कि सदगुरु अभिलाष साहेब जी नहीं जानते थे कि यहाँ प्रलय नहीं होता है, लेकिन आपने विनोद किया तो विशाल देव ने भी विनोदी भाषा में अपनी बातें तर्कपूर्ण कह दिए कि जब सभी तत्व अपने अपने गुण धर्मों को छोड़ देंगे तो प्रलय हो जाएगा। ये मिट्टी पानी आग हवा क्या कभी अपने स्वभाव को छोड़ सकते हैं? क्या आग कभी अपनी उष्णता को त्याग देगी? क्या पानी कभी अपनी शीतलता को त्याग देगा? मिट्टी कभी अपनी कठोरता को त्याग सकती है? जब ये तत्व अपने गुणधर्मों को छोड़ेंगे नहीं, और फिर यहाँ सृष्टि में प्रलय कैसे होगा? हाँ, यहाँ बीच बीच में उथल पुथल होता है गुणधर्मों के कम विशेष होने के कारण और इसमें कुछ हलचल होने के कारण, लेकिन प्रलय का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से यहाँ धरती समाप्त हो जाएगी, अग्नि अपने स्वभाव को बदल देगी, वायु अपने स्वभाव को बदल देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर हम अब इस प्रसंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। सदगुरु अभिलाष साहेब और सदगुरु विशाल साहेब जी के आदर्श घटनाओं को, उनके संस्मरणों को गुरुदेव जी के ही शब्दों में मोक्ष शास्त्र के प्रथम अध्याय में देखा जा सकता है, जो गुरुदेव जी ने ही विस्तार से वहाँ पर कई काफ़ी चीज़ें लिखी है। इस प्रकार सदगुरु श्री विशाल देव और सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन का एक लंबा अरसा बीता, जो बीच बीच में उनका सानिध्य आपको मिलता रहा। 17 नवंबर 1953 में आपने सबसे पहले दर्शन किया और 1976 तक ये लगभग 23 वर्षों का लंबा दरमियान विशाल देव जी के सानिध्य में सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का बीता, और बीच बीच में दर्शन, सत्संग और उनके सानिध्य का सुअवसर आपको मिलता रहा। इस प्रकार सदगुरु श्री विशाल देव का जो व्यक्तित्व है अत्यंत दिव्य था, लेकिन उनकी दिव्यता सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी में पूरी तरह से झलकती है। और विशाल देव जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के दर्शन हुए, उनके सानिध्य में लंबे समय तक रहने का, सेवा करने का, उनके साथ बैठने, उठने, चलने, फिरने, घूमने, बोलने, बात करने का सुअवसर जो प्राप्त हुआ, इससे हम भी अपने जीवन को धन्य समझते हैं। और विशाल देव जी के दर्शन हम सदगुरु अभिलाष साहेब जी में ही पाते हैं, और उनको पा करके हम आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से ये सदगुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन की अनेक घटनाएं आज जो चर्चा किया गया, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे की चर्चा होगी ऐसा हमें भी निश्चय है। ये विशाल देव जी की ही एक घटना है और इसको हम कल कहेंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय।